दुनिया में हर साल आतंकी घटनाओं के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक 2001 से लेकर 2017 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को 55.82 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। 2014 में अर्थव्यवस्था को होने वाली क्षति 108 अरब डॉलर पर पहुंच गई। अमेरिका के ट्रेड टावर पर 9/11 का आतंकी हमला करने में अलकायदा को 4 से 5 लाख डॉलर का खर्च आया होगा, लेकिन इस हमले ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 3.3 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। नेशनल एंटी टेररिज्म डे देश में हर साल 21 मई को मनाया जाता है। 1979 में आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। यही वजह है कि लोगों को शांति और मानवता का संदेश देने के लिए आज के ही दिन आतंक रोधी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पिछले साल जारी हुए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 2017 में हुए आतंकी हमले को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके मुताबिक आतंकी हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ। कुल 138 देशों में से भारत को 7वां पायदान मिला। ये कोई गर्व की बात नहीं है। आतंकवाद के चलते 2017 में मरने वाले कुल लोगों में से 2% की मौत भारत में हुई। भारत में 2016 के मुकाबले 2017 में आतंकी हमलों का शिकार होने वाले लोगों की संख्या में 41% का इजाफा हुआ। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए ट्विन टावर हमले के बाद दुनिया का बड़े से बड़ा कैपिटल मार्केट गिर गया। एम्स्टरडेम मार्केट को अपने वैल्यूशन लेवल तक आने में 42 दिन लगे। टोरंटो शेयर बाजार 44 दिन में नॉर्मल हो पाया। पेरिस शेयर बाजार 31 दिन में और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 37 दिन में नॉर्मल हुआ।